ट्रेन का रनिंग स्टेटस तो सब लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप फ्लाइट का रनिंग स्टेटस चेक कर दीजिए कि फ़्लाइट कितने बजे एयरपोर्ट पे चलाएगा, कितने घंटे लेट है, फ़्लाइट कितने किलोमीटर रफ्तार से चल रही है और फ़्लाइट कितने हाइट पे है, ये सारे चीज़ कैसे आप चेक करेंगे? बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। जितने भी पीला कलर का दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सब फ्लाइट है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं ट्रेन का रनिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, ट्रेन रनिंग स्टेटस लिखेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाके आपको करना होगा क्लिक। आपको यहाँ पे बोला जाएगा ट्रेन नंबर दीजिए, ट्रेन का नंबर देंगे, गेट रनिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ट्रेन का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कैप्चर को फिल करना होगा, ये कैप्चर यहाँ से कैप्चर कर लीजिए, ट्रेन कितने तारीख को रनिंग की हुई है वो डेट सेलेक्ट करके गेट रनिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ट्रेन का रनिंग स्टेटस ओपन हो जाएगा कि आपका ट्रेन कहाँ से चली हुई है, कहाँ तक जाएगी, कौन से रूट से आ रही है, कितने घंटे लेट है, कब कौन से स्टेशन पर आई हुई है, सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कोई बोले कि फ़्लाइट का रनिंग स्टेटस चेक कीजिए कि फ़्लाइट कितने हाइट पर उड़ रही है, कितने घंटे लेट है, कितने किलोमीटर के रफ्तार से फ्लाई कर रही है, कौन से रूट से आ रही है, कैसे चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, इसके लिए भी बता देता हूँ। गूगल पे जाइए, सर्च में जाकर के आपको लिखना होगा यहाँ पे फ्लाइट रडार। क्या लिखना है दोस्तों? फ्लाइट रडार। फ्लाइट रडार लिख करके आपको सर्च करना होगा, आपको नीचे दिखाई देगा फ्लाइट रडार 24, इस वाले ऑप्शन पे आपको करना होगा क्लिक। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा फ्लाइट रडार 24 लाइव फ्लाइट ट्रैकर, इस वाले ऑप्शन पे आपको करना होगा क्लिक। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ से किसी भी फ्लाइट का आप ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मुंबई ओपन हुआ है और आपके सामने जो पीला पीला कलर का ये लाइन लगा हुआ है ना, ये सब फ्लाइट है। आप इस पर अगर क्लिक कीजिएगा तो ये बता सकते हैं कि कौन से फ्लाइट है, ये कहाँ से आ रही है, कौन से रूट से आ रही है, सब चीज़ आपके मालूम पड़ जाएगा। हम इसको जूम आउट करते हैं, अगर हम जूम आउट करेंगे पूरे वर्ल्ड का फ्लाइट आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। आप देखिए जितना हम जूम आउट करेंगे तो आपके सामने ये देखिए जितने भी पीला कलर का है ये सब फ्लाइट है, अभी फ्लाई कर रही है सब, ओके। और किसी भी फ्लाइट पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसका जानकारी आपको मिल जाएगा कि ये फ्लाइट कहाँ से आ रही है, कितने हाइट पे है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फ़्लाइट चल रही है, सारे चीज़ आप जान जाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये फ़्लाइट कितने बजे डिपार्चर हुई है, कितने बजे अराइव करेगी, कितने हाइट पे है, ये सारे चीज़ आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सर्च पे जाते हैं, एयरपोर्ट के नाम लिखते हैं और सर्च पर जा कर के एयरपोर्ट के अगर आप नाम लिखेंगे तो वो एयरपोर्ट आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं मुंबई ओपन कर रहा हूँ, जैसे मुंबई ओपन किया दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप डिपार्चर चेक करना चाहते हैं या अराइवल चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से डिपार्चर चेक करेंगे, ठीक है। तो डिपार्चर वाले ऑप्शन पे जाकर हम करेंगे क्लिक। दोस्तों जैसे डिपार्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितने भी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाला होगा, डिपार्चर आप समझ रहे हैं, तो वो सारे का लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कर्नर पर जितने भी फ्लाइट जो मुंबई एयरपोर्ट से जाएगा वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया। किसी भी एयरपोर्ट के आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने फ्लाइट का खोज सकते हैं कि आपका फ़्लाइट कहाँ जाने वाले, सब फ्लाइट का नाम इसमें होगा। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं फ़्लाइट का नाम और नंबर से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से एक ओमान जाने वाला फ्लाइट है इंडिगो, इसको हम सर्च करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नीचे दिखाई देगा लाइव लिखा हुआ था, लाइव वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। जैसे लाइव वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो फ्लाइट का पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो शो ऑन मैप लिखा होगा, नीचे लाइव शो ऑन मैप, तो लाइव शो ऑन मैप पे हम कर देते हैं क्लिक। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो मुंबई से यहाँ से ओमान जाने वाला फ्लाइट है, ये कितने बजे डिपार्चर होगा, कितने बजे अराइव होगा, ये सारे डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे देखेंगे 16 किलोमीटर ये तय कर चुकी है सिर्फ 2 मिनट में और 1575 किलोमीटर तय करेगी 2 घंटे में, ये सारे डिटेल्स आ गया। रूट का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, रूट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको रूट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं रूट वाले ऑप्शन पे कर रहा हूँ क्लिक। आप देखिए यहाँ से ये फ्लाइट है, देखिए यहाँ से ये रूट डायरेक्टली समुंदर के अंदर ऊपर 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 डायरेक्ट ओमान चले जाती है। अब देखिए ये रूट है, ये लाल हो गया है ना जिसमें मैंने क्लिक किया, ये फ्लाइट नंबर भी है और ये जा रही है फ्लाइट। यहाँ पे देखिएगा आराम आराम से बढ़ता है, देखिए एयरपोर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। ऐसे सारे फ्लाइट को आप आसानी से चेक कर सकते, किसी भी जितने पीला कलर का दिखाई दे रहा है सब फ्लाइट है। किसी भी फ्लाइट पे आप क्लिक कीजिएगा, आप चेक कर सकते ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन से रूट से, आपको रूट भी पता चल जाता है देखिए यहाँ से। तो ऐसे आप आसानी से दोस्तों चेक कर सकते, तो बहुत ही अच्छा और अच्छा ऑप्शन है ये। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमेशा हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। आप ऐसे तो किसी भी फ्लाइट का नंबर भी लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने सऊदी एयरलाइंस का फ़्लाइट का नंबर लिखा,
उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था उसका और कितने बजे फ्लाई आई, कितने बजे पहुंची, सारे चीज़ आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है ये और मुझे अच्छा लगा ये, तो सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के शुक्र है, थैंक यू कि 10,000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा होने वाला है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप लोगों इसमें सीखा कि ट्रेन का रनिंग स्टेटस कैसे चेक करें, फ्लाइट का रनिंग स्टेटस कैसे चेक करें। दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि फ़्लाइट कितने घंटे लेट है, कितने हाइट पे, मतलब ज़मीन से कितने हाइट पे ये फ्लाइट अभी फ्लाई कर रही है और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फ़्लाइट चल रहा है, सब चीज़ आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए इतना ही।